नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। ताजमहल का नाम बदलने की मांग को लेकर नगर निगम के सदन में प्रस्ताव लाया गया है। नगर निगम ताजगंज वार्ड पार्षद ने ताजमहल का नाम तेजो महाले करने का प्रस्ताव किया है। आज यानी बुधवार को होने वाली बैठक में भाजपा पार्षद शोभा राम राठौर नगर निगम सदन के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पेश करेंगे। उनका तर्क है कि नगर निगम में पिछले 4.5 साल में करीब 80 सड़क और चौराहों के नाम बदले गए हैं। ताजमहल का नाम बदलने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। जिस जगह ताजमहल है वे उस क्षेत्र के पार्षद भी हैं। ताजमहल नगर निगम की सीमा में है। ताजमहल में हिंदू सभ्यता से जुड़े कई चिन्ह मिलने की बात कही जाती है। ऐसे में उन्होंने नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। इस मामले में मेयर नवीन जैन का कहना है कि पार्षद शोभा राम ने ताजमहल का नाम बदलने का प्रस्ताव लगाया है। प्रस्ताव सदन में पढ़ा जाएगा और इस पर चर्चा होगी। ताजमहल का नाम अगर आगरा नगर निगम में प्रस्ताव पास होकर तेजो महालय भी हो गया तो भी इसका पुरातात्विक महत्व संरक्षित स्मारक का नाम सरकारी दस्तावेजों में बदल नहीं सकेगा। किसी भी पुरातात्विक स्मारक का नाम बदलने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ऐसे में आज नगर निगम में आने वाले प्रस्ताव सिर्फ CIC स्टंट माना जा रहा है। हालांकि प्रस्ताव पास होने पर नगर निगम के कागजात में जरूर ताजमहल की जगह तेजो महाले लिखा जाने लगेगा। ASI के पुरातात्विक अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार पटेल का कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई भी लिखित सूचना नहीं आई है। ऐसे में वे इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। ताजमहल या तेजो महाले का विवाद इतिहासकार PN ओक की किताब टू स्टोरी ऑफ ताज के बाद शुरू हुआ था। इतिहासविद राजकुमार का कहना है कि ओक ने अपनी किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित कई दावे किए थे। उन्होंने अपनी किताब में राजा जयसिंह के फरमानों का जिक्र करने के साथ स्थापत्य कला का उदाहरण दिया था। इसके अलावा ताजमहल में गरीस, कमल के फूल और सर्प के आकार की कई आकृतियां दिखाई देती हैं।